श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास विशेष इंसानियत के सूत्र देने वाला, स्वास्थ्य के सूत्र देने वाला, संस्कार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को और जीवन जीने की अच्छी पद्धति बताने वाला, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापन करने वाला और ये पुनर्जागरण करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय मल्टी डायरेक्शनल होता है, हर विषय रिसर्च पूर्वक होता है और हर विषय में कुछ न कुछ शिक्षा होती है। इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम रोज देखना चाहिए। तो आज हम एक सामाजिक बुराई की तरफ इंगित करने वाला विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है भ्रष्टाचार का दहन होना जरूरी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भ्रष्टाचार अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो भ्रष्ट प्लस आचार, यानी ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य जिसको कि समाज अलाउ नहीं करता। समाज की अपनी एथिक्स है, समाज के अपने नियम हैं, समाज के अपने कानून हैं, समाज के अपने कायदे हैं, समाज के यहाँ अपने जीवन जीने की पद्धति है। अगर उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति आचार करता है तो वो भ्रष्ट आचार कहलाता है। और सारा कार्य जो है, जो भी जो एथिक्स के विरुद्ध कार्य किया जाता है, इमोरल अनैतिक कार्य जो करता है, वो सारा भ्रष्टाचार कहलाता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार एक ऐसी बुराई है जो कि समाज को गुण की तरह खाने लगती है और ये समाज में बिगाड़ करती है। इससे हमारे जो मनुष्य है उनकी मानसिकता खराब हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है और इस बुराई के कारण धीरे धीरे समाज का पतन होने लगता है, उत्थान की जगह पतन होता है। इसीलिए ये भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, उसका जड़ से उन्मूलन कर देना चाहिए, यानी इसकी जड़ को निकाल देना चाहिए। जड़ होती है वो क्या करती, पोषण करती है। इसीलिए पानी देते हम जड़ के अंदर दिया जाता, सिंचन जड़ को दिया जाता है। पत्तों को सींचने से पौधा कभी भी जीवित नहीं रहता है, जड़ के सिंचन से जीवित रहता है। तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन जड़ से कर दिया ना जाना चाहिए, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। अब भ्रष्टाचार मुख्य मुख्य किस तरीके के भ्रष्टाचार होते हैं जो कि हमारे समाज में निंदनीय है, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो सारे अनैतिक कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं, कुछ छोटे भ्रष्टाचार होते हैं, कुछ बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, लेकिन आते हैं सब इलीगल, जितना भी वर्क होता है अनैतिक कार्य और सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब भ्रष्ट और आचार, तो सबसे पहले मैं आचार का मतलब आचरण से लेता हूं। हमारे यहां पर भारतीय संस्कृति के अंदर आचार, भारतीय संस्कृति आचार प्रधान संस्कृति है, आचार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और हमारे भारत में कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमारे यहां शुरू से ऋषियों ने, मुनियों ने, चाहे वेदों के समय ले हो, चाहे उपनिषदों के समय से ले हो, चाहे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के अवशेषों को ले हो, तो हमारे यहां चरित्र को सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान दिया गया है। और चरित्र जिसका अच्छा होता है वह व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है और वह व्यक्ति आगे जाकर के अपनी आत्मा का बहुत बड़ा विकास कर लेता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था तक भी पहुंच जाता है। तो आचरण से जुड़ा हुआ जो इलीगल, जो अनैतिक व्यवहार है वो भ्रष्टाचार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर परिवार के अंदर विवाह की बहुत सुंदर व्यवस्था है और हमारे हिंदू संस्कृति में खास तौर से स्वधार संतोष होता है, यानी एक पति एक पत्नी से संतुष्ट रहे और एक पत्नी एक पति से संतुष्ट रहे। हमारे चार तरह के जीवन जीने की पद्धति के अंग होते हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम शरीर की आवश्यकता होती है,
जब शरीर जो है यौवन अवस्था में होता है तो काम सीमा पर होता है, इसलिए उस समय उस काम को नियंत्रण करने के लिए विवाह का सिस्टम है, गृहस्थ आश्रम का सिस्टम। हमारे चार आश्रम बताए जाते हैं, पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए शादी की जाती है, बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरा परिवार बनता है, व्यक्ति अपने परिवार के साथ में बड़े फ्रीडम से रहता है, उनके लिए संपत्ति का अर्जन करता है, बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, उनको अच्छे संस्कार देता है, अच्छे नागरिक बनाता है और उनको पैरों पर खड़ा करता है। इस तरीके से बड़ा सुंदर सिस्टम है और ये सिस्टम हमारा जो है जॉइंट फैमिली का सिस्टम तो वर्ल्ड में हिंदुस्तान की जॉइंट फैमिली का सिस्टम प्रसिद्ध है, पूरे विश्व के अंदर ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। भारत में आज तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है कि पति पत्नी यानी एक अपना ही परिवार होता है, पहले तीन तीन चार चार पीढ़ियां एक छत के नीचे 30-40-50 मेंबर तीन तीन चार चार जनरेशन साथ रहते थे, एक ही चूल्हे पे सब भोजन करते थे और हिलमिल के रहते थे, बड़े आराम से रहते थे और वहां यथा संविभाग होता था, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलता था और सबके काम बटे हुए रहते थे, कोई किसी काम में पंचायती नहीं करता था। तो मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं तो ये कह रहा था कि जो हमारा स्वधार संतोष है कि और हमारे यहाँ कहा जाता है जब शादी की अग्नि के फेरे लगाए जाते हैं सात फेरे, तो सात फेरों के अंदर ये सात तरह की जो है वह ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं पति पत्नी, हम एक दूसरे का दुख में सहयोगी होंगे, एक दूसरे का जो है साथ नहीं छोड़ेंगे और दूसरा एक दूसरे का अतिरिक्त हम किसी से इलीगल संबंध नहीं रखेंगे और धार्मिक कार्य साथ करेंगे, ऐसे और जितना भी धर्म का काम है वो भी साथ, इस तरीके से। और कहा जाता है कि ये हमारा शादी का जो सिस्टम है ये सात जीवन तक चलता रहता है साथ में, इतना सुंदर और पवित्र सिस्टम है। और हमारी वैदिक संस्कृति में कहा जाता है कोई भी धार्मिक कार्य होता है वो पति पत्नी दोनों की उपस्थिति बिना नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, अश्वमेध यज्ञ किया जाना था तो विश्वामित्र जी ने राम भगवान राम को जो अश्वमेध यज्ञ करना था अयोध्या के जो है वो समृद्धि के लिए, तो प्रश्न हुआ कि उस वक्त में राम जो है वो अयोध्या के राजा थे लेकिन सीता वनवास में थी, तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि सीता जी नहीं है तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। तो अब राम के भक्त हनुमान उन्होंने एक योजना बनाई, उन्होंने एक ऐसी सुंदर मूर्ति हूबहू सीता माँ जैसी बनाई और वह सुंदर मूर्ति जो है लाकर के भगवान राम के पास में वो रख दी और वो मूर्ति इतनी थी कि वो मूर्ति जो है यथावत थी, उसमें से सीता जो हाजिर हो जाती थी। तो इस तरीके से विश्वामित्र जी को कहा गया कि ये जो है वो पत्नी का रूप है, तो उन्होंने मान लिया और अश्वमेध यज्ञ किया गया। और इस कहने का अर्थ ये है कि इतना पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का कि धार्मिक कार्य दोनों के में से किसी एक की एब्सेंस में नहीं हो सकता, इतनी बड़ी पवित्रता और इसका बड़ा महत्व इसको दिया गया है। तो अब देखिए कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य के साथ लव मैरिज इलीगल संबंध रखता है तो वह बिल्कुल भ्रष्टाचार है। आजकल के हमारी ये कथित बाबा लोग जिन्होंने कि कई वर्षों से दीक्षा ले रखी है और वो जाने माने बाबा लोग, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इन दिनों के अंदर ये बहुत चल रहे हैं कि बाबा लोग जो है मठाधीश है, करोड़ों अन्यायी है और करोड़ों रुपए की संपत्ति है और बड़े आराम से ठाट बाट से वो रहते हैं, कंचन कामिनी से दूर नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो इस तरीके के अनैतिक कार्य जो है चरित्र से संबंधी कर बैठते हैं, किए हैं और उनको जेल भी हुई है और वो सारा भ्रष्टाचार सामने आया है, उससे कितनी छवि उनकी गिर गई कि वो एकदम दुनिया की नजर से गिर गए, सरकार की नजर से गिर गया और जेल की सलाखों के नीचे गया, क्योंकि सरकार इस आचरण को और समाज इस आचरण को मान्यता नहीं देता है, इसको भ्रष्टाचार बोलता है, इसलिए इसका जो है जड़ से उन्मूलन करना चाहिए। जो कोई साधु सन्यासी जो कंचन कामिनी से दूर होना चाहिए उसी को संत कहा जाता है और वो ऐसे आचरण करता है तो वो क्यों नहीं अपना शादीशुदा रह करके और अपने परिवार के रूप में गृहस्थ के रूप में रहे, तो कोई समस्या नहीं है।
तो इसलिए भाई और बहनों इस चीज की कोई मान्यता नहीं दी जाती है। तो ये तो आचरण से जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार दूसरा बताते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के कार्य होते हैं, चाहे सरकार से जुड़े हुए हों, चाहे एनजीओ से जुड़े हुए हों, चाहे किसी जो है वो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हो, तो उसके अंदर कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, कायदे होते हैं, उसके अनुरूप जो है हर व्यक्ति को स्थान मिलता है। जैसे सरकार के अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है, मान लो टेंडर लेना होता है उदाहरण के तौर पर, तो बड़ा बड़ा टेंडर, करोड़ों रुपए के टेंडर होते हैं, अरबों रुपए के टेंडर होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कुछ पहुंच वाले लोग जो कि अफसर, जो कि सक्षम कॉम्पिटेंट अफसर है, जो उसको पास करने वाला या मिनिस्टर है, उनसे साठ गांठ करके उनको दो नंबर का पैसा पहुंचा करके और येन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रुक जो है वो अपने फेवर में करा लेते हैं। सारी फॉर्मेलिटी जो है वो उनके फेवर में कर दी जाती है, तो उससे उनको बहुत ऊंची रेट मिल जाती है और बहुत बड़ा करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपयों का फायदा हो गया। अभी हमने कुछ देखे थे कितने कितने बड़े बड़े घोटाले, लाखों लाख करोड़ रुपए से ऊपर के ए राजा वगैरह, इस तरीके से बहुत से लोगों ने कई घोटाले किए हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो बहुत से घोटालों की बहुत सूची लंबी है। तो ये सारा भ्रष्ट आचरण, उससे होता क्या है कि हमारी जो वो जो भारत का पैसा है, जिसके सभी पूरे भारतवर्ष के सभी लोग उसके ट्रस्टी है, उसके मालिक है, वो चंद हाथों के अंदर चला जाता है और ये कैपिटलिज्म हो रहा है। जबकि हमारा जो समाजवाद है, हम है वो सर्वोदय में जो विश्वास करते हैं, हमारा संविधान सर्वोदय से जुड़ा हुआ होता है कि हर एक के साथ में बराबरी का आचरण होना चाहिए, हर एक के साथ में बराबरी का दर्जा है और हर एक को बराबरी का कार्य करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। लेकिन इस तरीके से दो नंबर का कार्य करके, और ये भ्रष्टाचार कहा जाता है, ये करके कुछ पहुंच वाले लोग जो है आगे चले जाते हैं, बड़े करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और बेचारे गरीब तक सुविधाएं नहीं पहुंचती है। यह भी एक बहुत बड़ा भ्रष्ट आचरण है जिसको समाज कभी मान्यता नहीं देता है और इसकी हमेशा निंदा की जाती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो बहुत होते हैं कि जो है वो हमारी जनता है अपनी सुविधा के लिए कुछ जो कोई भी अफसर होता है उसको दे देती है और अपना कार्य सुविधा अनुसार, ये सुविधावाद हो गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें जो है हमारे समाज को गिराने वाली है और ये भ्रष्ट आचरण से जो है हमारा समाज पतन की ओर जाता है और समाज के अंदर भेद रेखा बन जाती है, गरीब अमीर की खाई हो जाती है, छोटे बड़े की खाई बन जाती है और हर एक के साथ में बराबरी का दर्जा, बराबरी का सम्मान नहीं होता है। इसलिए इसका उन्मूलन किया जाना जरूरी है। अब मैं कुछ और तरह के भ्रष्टाचार की बात बताना चाहता हूं कि कई तरह के देखिए कि अपराध करते हैं लोग, अपराध भी एक भ्रष्टाचार का तरीका है। जैसे दवाई है, दवाई जो है बड़े बड़े पैमाने के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है और उस दवाई के अंदर मिक्सिंग कर देते हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट है हमारे उनके अंदर मिक्सिंग कर दी जाती है, तो मिक्सिंग ये भी एक भ्रष्टाचार का है कि वो चीज़ जो सस्ते में बन जाती है और ऊंचे मूल्य के ऊपर बेची जाती है, उसके पीछे मकसद कुछ लोगों का ऐसा है जो ऐसा कार्य करते हैं कि उसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का अर्जन किया जाए। तो उससे क्या होता है कि गरीब और अमीर की खाई बन जाती है और उस भ्रष्टाचार से हमें शुद्ध चीज नहीं बनती, हमारा स्वास्थ्य गिरता है और उसके साथ साथ के अंदर ये बुराई जो है वो फैलती जाती है। ये भ्रष्टाचार अपराध से जुड़ा हुआ है। और कुछ जो आतंकवादी है, ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। आतंकवादी जो हमारे यंग चैप्स होते हैं, उनको कुछ ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग होते हैं जो प्रलोभन देकर के तुम्हारा बहुत बड़ी राशि तुम्हारे परिवार को दी जाएगी और उस कार्य के अंदर लिप्त कर देते हैं, वो हिंसा के कार्यों के अंदर लोगों को मारना, दहशत फैलाना और जो है जैसे कि हमारी एयरक्राफ्ट है तो उसको जो है वो पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं और इन सब चीज़ों को कराते हैं, तो ये भी एक तरह का अपराध है। कई तरह के अपराध समाज के अंदर होते हैं, वो सारे अपराध हैं, सारे भ्रष्ट आचरण हैं, वो भ्रष्टाचार की परिभाषा में आते हैं। लेकिन हमारा समाज एक सुशिक्षित समाज है और इस समाज ने हर चीज के जीवन की हर गतिविधि के ऊपर जो है वह बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं
और एक छोटा बच्चा भी जान सकता है, वो भेद कर सकता है कि ये भ्रष्टाचार है और ये शिष्टाचार है, और ये जो है आचरण करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है। आप न्यायपालिका को देखिए, न्याय जो है एक भगवान का रूप होता है, और हमारे यहाँ बहुत सुंदर सिस्टम न्यायपालिका की है। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जिसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, सरकार का प्रेशर नहीं होता, पब्लिक का प्रेशर नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट लोग न्याय होता है वही करते हैं, क्षीर नीरवत न्याय करते हैं। लेकिन वो भी भ्रष्ट आचरण हो गया है, वहाँ पर भी जो है लोग पहुँच जाते हैं, पैसे पहुँचा देते हैं, और भी ऐसी ऐसी कई कई जगह तो ऐसी बुरी बुरी हालत जो है आती, कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो कि अय्याशी के होते हैं, तो वहाँ अय्याशी की चीज़ें पहुँचा दी जाती है, कुछ ड्रिंकर्स होते हैं उनको ड्रिंक की भरी बुरी चीज़ें पहुँचा दी जाती है, ये सब भ्रष्ट आचरण किए जाते हैं। उससे फलित क्या होता है कि एन के एन प्रकार वो अपना कार्य करवा लेते हैं, उनसे उनको बहुत बड़ा लाभ होता है, आर्थिक रूप से लाभ होता है। या मान लो कि जो है हम देखें न्याय के क्षेत्र में देखें, तो उससे क्या होता है कि जो अपराधी होता है वो बच जाता है, और बेचारा जो निरापराधी प्राणी है वो पकड़ लिया जाता है, और इस तरीके से अव्यवस्था हो जाती है और कलंकित हो जाता है, हमारा न्याय तंत्र है कलंकित हो जाता है। तो जिस समाज के अंदर भ्रष्टाचार किसी भी तरीका होता है, भ्रष्ट आचरण होता है, जिसको कि समाज ने अलाउ नहीं किया है, इलीगल है, वो अनुचित है, तो वो होने के कारण जो है वो दहन करने योग्य है, वो जड़ से निकालने के योग्य है, उसको जड़ से समाप्त करने के योग्य है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारी पुनरुत्थान कार्यक्रम की जो परंपरा है कि हम हर टॉपिक को जो है कसौटी पर कसते हैं, इस टॉपिक की रिलीवेंस क्या है, इस टॉपिक की प्रासंगिकता क्या है, ये टॉपिक समाज के लिए कैसे उपयोगी है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक तो प्योरली समाज का है। एक ये सामाजिक बुराई की तरफ है, जिस समाज के अंदर भ्रष्टाचार है, जिस देश के अंदर भ्रष्टाचार है, वह देश पूरे विश्व के सामने कलंकित है। जिस समाज के अंदर भ्रष्टाचार है वो कलंकित है। जिस व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार है वह व्यक्ति निंदनीय है। वह व्यक्ति जो है वह कभी भी व्यक्ति आदर देने योग्य नहीं है। और व्यक्ति जो कि अपने परिवार में भ्रष्टाचार करता है, वह व्यक्ति तो परिवार में जीने लायक ही नहीं है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कुछ मोमेडन कंट्रीज है, उसमें भ्रष्टाचार का जो है वो सजा देने का बहुत सुंदर सिस्टम है। सरेआम फांसी लगाई जाती है, सरेआम उसकी आँख जो है काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है। हालांकि ये तो अमानवीय लगता है, लेकिन उससे क्या होता है कि लोगों में हड़कंप मचती है कि नहीं, ऐसा भ्रष्ट आचरण हमें नहीं करना चाहिए। इसके नतीजे बहुत बुरे हैं कि हम अपनी जान गंवा बैठते हैं, और जान सबसे प्यारी होती है। अगर जान नहीं है तो भ्रष्ट आचरण से अर्जित किया हुआ कोई भी लाभ किस काम का है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें समाज में एक एनवायरमेंट बनाना है, और जिस किसी तबके के अंदर भ्रष्टाचार प्रारंभ हुआ ही है, अब जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन है, हमारी वेश्यावृत्ति है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस वेश्यावृत्ति को पनपाने के लिए कुछ गिरोह होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो इस तरीके से बेचारी भोली भाली लड़कियों को फंसा देते हैं, मजबूर कर देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए जाती है, वो इतनी शर्मशार हो जाती है कि अपने घर वालों को, परिवार कुछ नहीं कह सकती, और उस संस्था में जाकर के, प्रोस्टिट्यूशन संस्था में जाकर के हो जाती है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे अड्डे हैं जो चलते हैं, इनको तोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए सबसे भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो जनता है, हमारा जो समाज है, उसको जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरा, समाज होता है या जनता होती है, वो भगवान का रूप होती है। उससे कोई चीज़, जनता जनार्दन से कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, जनता जनार्दन सब जानती है कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमारे के अंदर एक ये कहना चाहिए, हमारे अंदर जो है एक ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, कि जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार के अड्डे हैं उन्हें हमें तोड़ना चाहिए, लोगों का समूह बना करके उसको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि ये वृत्ति अगर धीरे धीरे रूप ले लेती है, तो रूप लेकर के वो बड़े रूप के अंदर आ जाती है। हमारे शरीर के अंदर
कोई भी छोटी गांठ बनने लग जाती है और गांठ बनते बनते बड़ी हो जाती है, हम उपचार नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है थोड़े समय के बाद में वो कैंसर का रूप ले ले। तो ये सारे भ्रष्टाचार भी वैसे ही है, प्रारंभ में छोटे रूप में होते हैं, एक व्यक्ति करता है, दो व्यक्ति करता है, लेकिन धीरे 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 ये कैंसर के रूप में होते हैं, ये गुण के रूप में होते हैं। गुण क्या होता है? दीमक होती है, तो वो क्या होती है कि लकड़ी को पूरी खा जाती है, खोखला कर देती है। उसी तरीके से ये गुण ऐसा है भ्रष्टाचार का कि समाज को लील जाता है, समाज को एकदम समाप्त कर देता है उस लकड़ी की तरह, उस कैंसर की बीमारी की तरह। तो ये कैंसर की बीमारी ये गुण है, ये दीमक है, इस दीमक को प्रारंभ से ही हटा देना चाहिए। जो जर्म से शुरू शुरू से हटा दिए जाते हैं तो वो फिर फैलते नहीं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी बीमारी प्रारंभ के अंदर पकड़ में आ जाती है डायग्नोसिस के अंदर, तो उसका उपचार करके उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाता, उसको डेवलप नहीं होने देने थे। एग्जैक्ट वर्ड है डेवलपमेंट। तो उसी तरह से हमारे समाज के अंदर जहां भ्रष्टाचार पनप रहा है, हमारे से छुपा नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करने वाले हम ही लोग होते हैं, समाज के ही लोग होते हैं। तो उस भ्रष्टाचार को जो है कुछ जागरूक लोग, कुछ युवा लोग जो है उन लोगों को पकड़े, उन लोगों को सरकार तक ले जावे, पुलिस तक ले जावे, पंचायत तक ले जावे और उसको दंडित करे और घर के अंदर अपने परिवार में दंडित किया जाए, ताकि वो आगे पनपे नहीं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाती है तो व्यक्ति जो इसके अंदर घुस जाता है तो गहरा चला जाता है और धीरे धीरे जा करके उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो आत्मा मर जाती है और वह जीवन भर ऐसे भ्रष्टाचार के कार्य करता रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर लिप्त हो जाता है। तो उसको प्रारंभ से ही रोका जाना चाहिए कि वो भ्रष्टाचरण क्यों करे, वो तो अच्छा आचरण ही करे ना, शुरू से ही अपने नियमों का पालन करे। आखिर हम ये सोचे हैं कि हम इलीगल पैसा कमा करके, इलीगल लाभ कमा करके, इलीगल प्रतिष्ठा कमा के, इलीगल पद कमा करके हमें करना क्या है? आखिर तो हमें मानसिक शांति चाहिए और ये सोचना चाहिए, व्यक्ति के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि क्या ये हमारा शरीर अमर है? क्या कोई कह सकता है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा? कोई नहीं कह सकता। इस जीवन का, इस नश्वर शरीर का कुछ भी पता नहीं है, कभी भी जा सकता है ये नश्वर शरीर जो है। जब ये जाने वाली चीज है तो हम ऐसे भ्रष्ट आचरण करके और अपने ऊपर कलंक लगा करके क्यों जाएं? और जो भ्रष्ट आचरण से जो अर्जित संपत्ति होगी, उनकी संतान लूली, लंगड़ी, अय्यासी और क्या क्या कहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उदंड हो जाएगी। वो ऐसे ऐसे अपराध के कार्य करेंगे कि माँ बाप को लज्जित होना पड़ेगा। फिर माँ बाप कहेंगे, अरे मेरी संतान ने ऐसा कर दिया, दुखी होते हैं। अरे भाई, तुमने सब भ्रष्ट आचरण करके ही पैसा कमाया और उनको वही पैसा उपयोग के अंदर दिया गया। मैं आपको यहाँ पर जो है उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु नानक थे, तो गुरु नानक बहुत तपस्वी और पहुंचे हुए संत थे। तो उनके पास के उनका एक भक्त आया, तो भक्त रोटियां लेकर के आया और वह रोटी उनको जो दी, उनको जो है बहराई जब उनको दी, तो जो है वो परीक्षा, क्योंकि वो तो पहुंचे हुए महात्मा थे, तो गुरु नानक ने उस रोटी को हाथ से इस तरीके से मसला तो उसमें से खून की जो धारा बही। उन्होंने कहा, ये भ्रष्ट आचरण से पैदा की गई रोटी है, ये मेरे लिए काम की नहीं है। अगर मैं इसको खाऊंगा तो मैं भ्रष्टाचारी बनूंगा। तो उसको उपदेश दिया, और संत तो परमार्थ के लोग होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को सुधारा और उसको भ्रष्ट आचरण से जो है वो करके वो अच्छे आचरण के अंदर लाए और उसको अच्छा इंसान बनाया। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम बच्चों में संस्कार की बात करते हैं, यही वो संस्कार है। जो माँ होती है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है। तो माँ को बच्चे को पहले से ही ऐसे ऐसे इस तरीके संस्कार देना चाहिए कि कोई बुराई की तरफ नहीं जावे। प्रारंभ के अंदर वो छोटी छोटी गलतियां करती है तो वही आगे जाकर के जो है वो भ्रष्टाचार का रूप लेती है, वही आगे जाकर के बहुत बड़ा डकैत, चोर, अपराधी बनता है, आतंकवादी बनता है। तो प्रारंभ से ही हमें उसको अच्छाई और बुराई का कराना चाहिए, उनको भेद कराना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 चीजें आती है, एक तो होता गे,
दूसरा होता है और तीसरा होता उपादेय। गेय का मतलब अच्छाई बुराई जितनी भी हमारे समाज में है या हमारे दैनिक जीवन में काम आती है उन सब चीज को समझना वो जरूरी है, उसका ज्ञान करना गेय कहलाता है। उसके बारे में हमें अपना विवेक पैदा करना है, हमें अपनी बुद्धि को लगाना है कि इसमें से कौन सी चीज को हमें अपनाना चाहिए। 10 सेकंड श्रोतागण भाई और बहनों, पुनरुत्थान कार्यक्रम आप प्रतिदिन देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्य में नए नए एपिसोड आते हैं, सामाजिक बुराई की तरफ आते हैं, व्यक्तित्व विकास के आते हैं, स्वास्थ्य के संबंधी आते हैं और धर्म के संबंधी आते हैं, मानसिक शांति के संबंधी आते हैं, अच्छा इंसान बनने के संबंधी आते हैं। और आप इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो, आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। लोगों को प्रेरित करो और करते रहिए, देखते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़े, हम भी अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छे अच्छे एपिसोड अच्छे अच्छे विषयों के ऊपर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।